हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण। दोस्तों, यह सेशन जो है वो वोकैब के हैं, जिनमें मैं आप लोगों को सिनोनिम्स बताऊंगा, उसके एंटोनिम्स बताएंगे। दोस्तों, वोकैब सेशन जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जनरल कंपटीशन के लिए। जितने भी कंपटीशन होते हैं सभी पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC का हो या IBPS का हो या रेलवे का हो या डिफेंस का हो, जितने भी होते हैं सब में महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आज के वोकैब। फर्स्ट वोकैब है एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रत्यर्पण करना। क्या होता है? प्रत्यर्पण करना। इसके सिनोनिम्स होते हैं हैंड ओवर या रिपेट्रिएट। इसके एंटोनिम्स होते हैं किप। इस पर आधारित सेंटेंस है इंडिया रिफ्यूज टू एक्स्ट्राडाइट हिम टू द नीदरलैंड्स। इसका मतलब हुआ भारत ने उसे नीदरलैंड में प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट बुक है क्वैस। क्वैस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खत्म करना या खारिज करना। इसके सिनोनिम्स होते हैं पुट एन एंड टू या फिनिश। इसके एंटोनिम्स हैं प्रमोट। इस पर आधारित सेंटेंस है अ हॉस्पिटल एग्जीक्यूटिव क्वेस्ट रिमार्क्स दैट नर्सिंग स्टाफ विल लूज जॉब्स। इसका मतलब हुआ एक अस्पताल के कर्मचारी ने अफवाहों को खारिज कर दिया कि नर्सिंग कर्मचारी नौकरी खो देंगे। नेक्स्ट बुक अब है भाइस। भाइस एक नाउन है जिसका मतलब होता है इमोर्टैलिटी यानी कि अनैतिकता। इसके सिनोनिम्स होते हैं रॉन्ग डूइंग या वीकनेस। क्या होते हैं? रॉन्ग डूइंग या वीकनेस। इसके एंटोनिम्स होते हैं वर्च्यू। इस पर आधारित सेंटेंस है द सेंटर वाज ऑफन रिफर्ड एज एन ओपन सीवर ऑफ वाइस एंड क्राइम। इसका मतलब ये हुआ केंद्र को अक्सर अनैतिकता या क्राइम के खुले रवि शिविर के रूप में संदर्भित किया जाता था। नेक्स्ट वोकैब है मॉर्न। मॉर्न एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डिप्लोर यानी कि शोक। क्या होता है? शोक करना। इसके सिनोनिम्स होते हैं बी वेल या बी मोन। इसके एंटोनिम्स हैं रिजॉइस। इस पर आधारित सेंटेंस है पब्लिशर्स मॉर्न डिक्लाइनिंग सेल्स ऑफ हार्ट ब्रेक फिक्शन। इसका मतलब हुआ पब्लिशर ने हार्ट ब्रेक फिक्शन की घटती बिक्री पर शोक व्यक्त किया। नेक्स्ट वोकैब है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रोडक्टिव। इसका मतलब हुआ विपुल या उबर। इसके सिनोनिम्स हैं फर्टाइल या इन्वेंटिव। इसके एंटोनिम्स हैं नॉन प्रोडक्टिव। इस पर आधारित सेंटेंस है इन कैप्टिविटी टाइगर्स आर प्रोलिफिक ब्रीडर्स। इसका मतलब हुआ कैद में बाघ विपुल प्रजनन है। नेक्स्ट वोकैब है ग्रेसियस। एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कॉर्टियस। इसका मतलब हुआ विनित या अनुग्रहित। इसके सिनोनिम्स हैं पोलाइट या सिविल। इसके एंटोनिम्स हैं अनग्रेसियस। इस पर आधारित सेंटेंस है द हॉस्टियस ऑफ द पार्टी वाज ग्रेसियस। इसका मतलब हुआ पार्टी की परिचारिक क्या है? अनुग्रहित है। नेक्स्ट वो क्या है इनडेलिबल। इनडेलिबल एक क्या है? एडजेक्टिव्स हैं जिसका मतलब होता है इनइरेडिकेबल। इनइरेडिकेबल का मतलब होता है अमिट या अविश्वसनीय। इसके सिनोनिम्स होते हैं इनइफेक्सिएबल या इनडिस्ट्रक्टिबल। इसके एंटोनिम्स होते हैं इरेजेबल। इस पर आधारित सेंटेंस है ही हैज एन इडिलिबल इम्प्रेशन ऑन मी। इसका मतलब हुआ उसका मुझ पर एक अमिट प्रभाव है। नेक्स्ट वोकैब है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब हुआ अनबिलीवेबल। इसका मतलब हुआ अविश्वसनीय। इसके सिनोनिम्स हैं बियॉन्ड बिलीफ अनकन्विंसिंग। इसके एंटोनिम्स हैं बिलीवेबल। इस पर आधारित सेंटेंस है हेयर इज एन इनक्रेडिबल टेल ऑफ ट्रम्प। इसका मतलब हुआ यहाँ जीत की अविश्वसनीय कहानी है। नेक्स्ट वोकैब है डिस्पिकेबल। डिस्पिकेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कंटेम्प्टिबल। इस पर इसका मतलब हुआ घृणित। क्या हुआ? घृणित। इसके सिनोनिम्स हैं लॉयथसम या हेटफुल। इसके एंटोनिम्स हैं एडमायरेबल। इस पर आधारित सेंटेंस है व्हाट ही डिड वाज अ डिस्पिकेबल क्राइम। इसका मतलब हुआ उसने जो किया वह घृणित अपराध था। नेक्स्ट वोकैब है एनरिच। एनरिच एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इनहेंस यानी कि समृद्ध बनाना या संपन्न बनाना। इसके सिनोनिम्स हैं इम्प्रूव या ऑगमेंट। इसके एंटोनिम्स हैं स्पॉइल। इस पर आधारित सेंटेंस है हर एक्सपोजर टू म्यूजियम्स इनरिच्ड हर लाइफ इन फ्रांस। इसका मतलब हुआ उन्होंने म्यूजियम की खोज की जिसमें उनका जीवन
फ्रांस में क्या हुआ, समृद्ध हुआ। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लिखें और अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।